गेमर्स वेलकम बैक इन द अनदर कॉन्कर सीरीज वीडियो। तो आज लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि C4S10 यहाँ पे नया सीजन आ चुका है एंड मैं हूँ बहुत ज़्यादा लेट इस सीजन में कॉन्कर पूछ के रिगार्डिंग। लेकिन गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है, बोल के रखा हुआ है यार कि हम लोग हर सीजन यहाँ पे कॉन्कर पूछ ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है यार, जैसे ही मैं बग्गी घुमा रहा होता हूँ एक बंदा मेरे को दिखता है एंड भाई उस पर जैसे ही स्प्रे लेने ही वाला था कि मेरा यार हेल्थ बहुत ज़्यादा कम होता है तो उस पर क्या है कि स्प्रे नहीं ले पाता हूँ एंड फिर से जोन के अंदर इन करने की कोशिश करता हूँ। एंड यहाँ पे क्या है, देखो गाइस कि प्लैटिनम 1 का गेम प्ले है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इस गेम प्ले में भी अगर 23 बंदे बाकी हैं अगर फिफ्थ सर्किल के बाद तो समझ सकते हो कि यार उस टाइम पे गेम कैसा हो रहा होगा। यहाँ पे क्या है गाइस कि लॉबी बहुत प्यारी लगी हुई थी एंड हर साइड से बंदे थे एंड यहाँ पे क्या है कि जल्दी जल्दी जोन के अंदर मैं इन करने ही वाला था। यहाँ पे देखो जैसे क्या होता है कि 23 बंदे बाकी हैं एंड 22 सेकंड्स में ये भी जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा एंड मैं एकदम एजेस पे खेलना पसंद कर रहा था। लेकिन देखो इस गेम में एक दो चीज़ें और होती है, एक दो चीज़ों में से पहली चीज़ कि अपने पास हेल्थ किट नहीं था यहाँ पे एंड देखना कैसे सर्वाइवल करूँगा एंड कितने हेल्थ पे मैं यहाँ पे सर्वाइवल देने वाला हूँ एंड कैसे अपन लोग हेल्थ रिकवर करेंगे हेल्थ नहीं रहने के बावजूद भी। एंड यहाँ पे क्या होता है, 22 बंदे बाकी थे एंड यहाँ पे जस्ट जोन यहाँ पे श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। एंड चूंकि जैसे ही जोन में मैं इन कर रहा होता हूँ यहाँ पे देखो इजिली जोन के अंदर इन कर जाता हूँ, हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन है तो मैं यहाँ पे यही सोच रहा था कि यार कैसे भी करके हेल्थ पहले एक बार फुल करूँ। लेकिन उससे पहले मैं भी सोच रहा था कि भाई जोन के अंदर कैसे भी करके इन करना है मेरे को। यार गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे आप लोग DM पे यार कि इस सीजन क्या रैंक पुश करना है नहीं करना मेरे को। भाई इस सीजन भी रैंक पुश करेंगे एंड हर सीजन रैंक पुश करेंगे। हाँ ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होगी कि भाई इस बार अपन लोग #10 #5 #2 #3 के लिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि भाई थोड़ा सा भाई शेड्यूल में से टाइम निकाल करके मैं आपके लिए यहाँ पे कॉन्कर सीरीज़ की वीडियोस ला पाऊँगा, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मैं टाइम निकालूंगा ना तभी हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या था, देखो जोन श्रिंक हो रहा था एंड मेरे को पता था कि मेरे को एजेस पे ही खेलना है क्योंकि हो सकता है कि भाई मेरे पे स्प्रे एंड देखो यहाँ पे स्प्रे आ भी गया। भाई मेरे पे बहुत ही खतरनाक वाला स्प्रे आ जाता है एंड बचते बचाते देखना अभी कैसे मैं एक लोकेशन पे बैठूंगा एंड यहाँ पे कैसे सर्वाइवल देने वाला हूँ वो भी देखना। देखो यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे जस्ट आकर के बगी के पीछे जाकर के रुक जाता हूँ एंड देखो मेरे पास सिर्फ बैंडेज बाकी है एंड यहाँ पे क्या करूँगा, बैंडेज लगा करके चुपचाप बैठ जाऊँगा। एंड देखो मेरे को क्या है ना कि यहाँ पे हेल्थ फुल करना था कैसे भी करके एंड जस्ट सामने से पीछे से राइट से लेफ्ट से हर जगह से शॉट्स पड़ रहा था। यहाँ पे मैं स्मोक में देखता हूँ कि कोई बंदा हो नज़र आए तो मैं यहाँ पे स्प्रे दूँ, लेकिन यहाँ पे स्प्रे देने के लिए मेरे को कोई बंदा यहाँ पे दिखता नहीं है। जस्ट पीछे साइड में भी साउंड आ गया था कि एक बंदा है जो यहाँ पे पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है एंड मैं जस्ट पीछे वाले बंदे पे जिस पे स्मोक हुआ था मैं उस बंदे पे पैनी निगाह यहाँ पे बनाया हुआ था, उतने में मेरे को जस्ट अभी साउंड आ रहा था कि पीछे साइड से कोई बंदा स्प्रे दे रहा है एंड देखो ये बंदा जल करके उस वाले घर पे चला जाता है। तो मेरे को समझ में आता है कि भाई ये वाला बंदा अगर मेरे साइड अगर आता है तो इसको ही मारना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देख रहा होता हूँ कि जो स्मोक हुआ था वहाँ पे कोई बंदा मेरे को स्पॉट हो तो उसको फिनिश करे यहाँ पे, लेकिन मेरे को कोई बंदा यहाँ पे स्पॉट नहीं होता है। मैं यहाँ पे टाइम यहाँ पे लैप्स करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मेरे को मालूम था कि यहाँ पे टाइम लैप्स करना ज़रूरी है क्योंकि अपने पास हेल्थ किट के नाम पर कुछ भी नहीं, हेल्थ किट तो अलग ही चीज़ है भाई। तो अपना क्या है यहाँ पे कि सिनेरियो यही था कि अपन को होल्ड करके खेलना है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइट में एंगेज नहीं होना क्योंकि भाई हेल्थ फुल करने में भी टाइम लगेगा एंड भाई अपने पास कुछ होना भी तो चाहिए ना हेल्पफुल करने के लिए यार, सबसे पहली चीज़ यही है यार। तो यहाँ पे क्या था कि मैं चुपचाप बैठा हुआ था एंड मैं कोशिश में ये था कि पीछे वाला बंदा मेरे पे पुश करे या फिर वो भागने की कोशिश करे जोन में, लेकिन यहाँ पे वो बंदा नहीं निकलता है। बदले में क्या करता हूँ यहाँ पे जल्दी से जल्दी यहाँ पे गाड़ी पे इन करूँगा एंड देखना अभी किस पोजीशन पर रुकने वाले हैं एंड कैसे अभी बंदों को फिनिश भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो कुल मिलाकर के 15 बंदे बाकी है। बग्गी पे जैसे ही बैठता हूँ एंड बग्गी को जैसे रोटेट करता हूँ यहाँ पे देखो यहाँ पे आऊँगा एंड देखो सारे बंदे अभी पोजीशन लेना स्टार्ट कर चुके हैं। मेरे को लगा था कि सबसे पहले यहाँ पे जोन में होगा लेकिन यहाँ पे 6 मीटर की दूरी रह जाती है भाई एंड इस लोकेशन को मैं छोड़ के निकल जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा एंड इस लोकेशन के पास मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे एटलीस्ट रुकूँ। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होता है कि मेरे को ओपन में देख करके मैं समझता हूँ कि नहीं यार स्प्रे आ जाएगा एंड जस्ट देखो सामने यहाँ पे स्मोक वगैरह हो रखा है। यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा पोजीशन लगता है यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ यहाँ पे चुपचाप आकर के लेटता हूँ एंड देखो मेरे को पीछे एक बंदा स्पॉट होता है, हल्का सा ब्लैक कलर का मेरे को कुछ दिखता है। मैं यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन बंदा यहाँ पे स्पॉट नहीं होता है, यहाँ पे रैंडमली शॉट देता हूँ एंड बदले में भाई एक स्प्रे जोरदार स्प्रे आ जाता है यहाँ पे एंड उस स्प्रे से बचते बचाते यहाँ पे जैसे ही जोन श्रिंक होता है मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ बग्घी लेकर के एंड बग्घी ले जाने के बाद
देखो मेरे को बस जोन के अंदर इन करना था एंड भाई फाइट लेना था, क्योंकि फाइट अभी अवॉइड नहीं कर सकते थे, अभी फाइट लेना ही था अपने को। लेकिन बदले में भाई अपने पास हेल्थ किट के नाम पे कुछ भी नहीं था, ये भी ध्यान में रखना था मेरे को। एंड देखो अभी क्या होता है। पीछे साइड सबसे पहले बचते बचाते मैं निकलता हूँ कि भाई एटलीस्ट कम से कम पीछे से स्प्रे ना पड़े। एंड इस बंदे की मेरे पास स्पॉटिंग थी, यहाँ पे मैं स्पॉट कर चुका था इस बंदे को। एंड देखो इस बंदे को कैसे फिनिश करने वाले हैं, यहाँ पे इस बंदे को फिनिश करके मैं यहाँ पे जैसे ही इधर आता हूँ, देखो यहाँ पे फोर्थ बंदा जो होता है ना उस पर गाड़ी चला देता है सामने वाला बंदा। एंड यहाँ पे आकर के जस्ट गाड़ी पे ठोकता है। एंड देखो मैं यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश करूँगा यहाँ पे टैप टैप में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि शॉट्स कनेक्ट नहीं होते, टायर के पास दो तीन शॉट लग के रुक जाते हैं। एंड देखो तीन बंदे बाकी हैं। एंड जैसे ही भाई ये थर्ड वाला बंदा इस पर पुश करेगा, मैं कर दूंगा इस पर पुश। एंड देखना गेम का रिजल्ट क्या होने वाला। तो अभी क्या है कि ये बंदा स्मोक कर चुका था अपने पे, एंड इसको लगता है कि मेरे पे फायरिंग वायरिंग है, मतलब उस बंदे पे फायरिंग वायरिंग है, तो ये बंदा स्मोक करके अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोक लेता है यहाँ पे। एंड बदले में यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, देखो 24 सेकंड बाकी था मेरे को जोन में जाना था, मैं यहाँ पे बग्गी ले जाने के फिराक में नहीं था, क्योंकि यार बग्गी ले जाना मतलब भाई खतरे से खाली नहीं रहूँगा मैं। यहाँ पे क्या करता हूँ, दो स्मोक करता हूँ। नेट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू चल रही है, देखो 60 ms में भी पिंग ऐसा चल रहा है कि मैं यहाँ पे फेंक चुका था स्मोक, एंड उसके बावजूद भाई ये स्मोक बहुत लेट जाता है, बहुत लेट जाता है। एंड बदले में वो बंदा भी यहाँ पे मॉली वॉली कर रहा था, मॉली थोड़ा सा पीछे रह जाता है। एंड देखो यहाँ पे स्मोक मैं दो स्मोक कर चुका हूँ, एंड जोन के अंदर मेरे को जाना है, प्रेशराइज कर रहा है जोन जोन के अंदर जाने के लिए। एंड देखना भी क्या करता हूँ, पैदल यहाँ पे रफ्तार बढ़ाऊंगा। एंड देखना अभी मैं थोड़ी देर रुकता जरूर हूँ यहाँ पे, एंड क्योंकि मेरे को जब आगे जाना था तो मेरे को पता था कि भाई स्मोक के थोड़ा सा ओपन में जाकर के मारना पड़ेगा। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे गॉड एक्स को यहाँ पे फिनिश कर दिया जाता है। मैं सोचता हूँ कि डायरेक्टली पुश करूँ, लेकिन ये बंदा मेरे पे भी भाई स्प्रे देता है। एंड यहाँ पे स्प्रे देने के बाद भाई ये बंदा मेरे को टाइम देने के का नाम ही नहीं ले रहा था भाई। देखना अभी नेट खोलूंगा, राइट साइड में आ गया। एंड भाई UMP समझ रहे हो ना, अगर इतने पे अगर मेरे को 1 pixel भी अगर मैं दिख रहा होता ना भाई, तो वो बंदा मेरे को मार के जाता है। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नेट खोलता हूँ, नेट पटकता हूँ उसके मुंह पे। एंड गाड़ी देखो भाई, गाड़ी तो भाई उड़ने वाली थी। अभी देखना 1v1 फाइट को, एंड कैसे इस 1v1 फाइट को यहाँ पे निकालने वाले। स्मोक करने का कोशिश करता हूँ, यहाँ पे एक स्मोक करता भी हूँ। एंड देखो नेट भाई, नेट का कुछ नहीं आता पता चल रहा भाई, कुछ भी नहीं। एंड यहाँ पे बंदा नेट कर देता है, एंड नेट जस्ट पीछे रह जाता है। एंड देखना अभी यहाँ पे मैं पूरा का पूरा ठान लूंगा कि भाई मेरे को मारना है, इसी में मारना है। एंड जैसे ही भाई इस बंदे को हेड लग जाता है ना, मेरे को आइडिया लग गया था, ये देखो आइडिया लग गया था कि भाई वो बंदा वही है। एंड देखना अभी मैं इस पर कर देता हूँ पुश। एंड आ रहा है विनिंग मोमेंट, ये देखो थोड़ा वेट किया और यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे डे वन का फर्स्ट चिकन डिनर। तो गाइज होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो, नेक्स्ट वीडियो को अगर लाइक जरूर करना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन अ पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो। आई विल सी यू इन अदर एपिसोड। टेक योर सेल्फ एंड हैव अ गुड टाइम अहेड।